कुदरगढ़ी प्लांट का आपने विरोध किया था और आपने कहा था कि मतलब कि इससे सारा कुछ मतलब यहाँ का वातावरण दूषित हो जाएगा, तो आपके जन सुनवाई पर सहमति बन गई है? देखिए, जशपुर जिला एक बहुत ही खूबसूरत स्वर्ग का सुंदर जिला, जो मैं कहता हूँ लोग भी कहते हैं, यहाँ अभूतपूर्व संभावना है बायोडाइवर्सिटी के, जैव विविधताएँ की। और आपको शायद किसी बहुत कम लोगों को जानकारी है कि जशपुर जिला जो हमारा है छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र का है, और जैव विविधता के हिसाब से इसको संरक्षित करने के लिए 2001 के आसपास एक रिपोर्ट प्रशासन को कलेक्टर के माध्यम से भेजी गई थी कि इसको जैव विविधता के हिसाब से संरक्षित और सुरक्षित किया जाए। हमारा जो जशपुर जिला है वहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर से 45 प्लस में रहता है, मतलब 0 से माइनस भी चला जाता, आप लोगों ने देखा हुआ है। और उसमें बहुत सी संभावना है जिसको हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और जो ऑरेंज कैटेगरी रेड कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं वो हमारे जो यहाँ की आबो हवा है, जो हमारे यहाँ का क्लाइमेट है, उसको बर्बाद कर देगा। और जो एक खूबसूरती हमारे यहाँ है और जो हम एग्रीकल्चर के माध्यम से बहुत सी चीज़ों को कर सकते हैं, उसके बाद हमें बहुत दिक्कतें जाएंगी। और ये जो यहाँ स्पंज आयरन प्लांट और कैप्टिव पावर प्लांट की जो बात है, वो सिर्फ और सिर्फ जो डी कैटेगरी में सुविधाएं प्रदान की हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने, 150% सब्सिडी का, इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए सारी चीज़ों को कर रहे हैं। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये फिजिबल है भी नहीं। जशपुर में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आप विरोध करेंगे? बिल्कुल करूँगा।